हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लौट कर आए हैं, थैंक यू सो मच। आज सफरिंग 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 कुछ सब्सक्राइबर्स की मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ एंड दे आर सफरिंग अलॉट। एंड वो क्यों सफरिंग कर रहे हैं? सम जो हैं उनमें से मैरिज पर स्टक हैं, सम उनमें से कॉल्स SMS एंड इन सब चीज़ों पे स्टक हैं कि उनका कॉल नहीं आ रहा, उनका मैसेज नहीं आ रही। कुछ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं बट उन्हें लग रहा है कि मैरिज नहीं हो रही। ईच एंड एवरीथिंग तो नॉर्मल है, बात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट मैरिज कब होगी? एंड वो लोग जो हैं बहुत सफ़र कर रहे हैं। स्पेशली ये एनर्जीज लग रही हैं डिवाइन फेमिनाइन की अगेन। एंड मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इस टाइम सफ़र कर रहे हैं एंड इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनके लिए डिवाइनली मैसेज है कि फर्स्ट बिलीव ऑन गॉड, गॉड पर बिलीव करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सेकेंड सरेंडर टू गॉड, गॉड को सरेंडर करो। एंड थर्ड, आपको अपने इनर वर्क पे काम करने की ज़रूरत है। एंड ये एनर्जी मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स की है, क्योंकि जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं काफ़ी टाइम से, उनकी तो एनर्जी डेवलप हो चुकी है, इनर वर्क में वो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। एंड ये न्यू सब्सक्राइबर्स हैं एंड इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में देखे। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी, जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, वो आप सब अपने सभी क्वेश्चंस के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए, क्योंकि वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं टाइमलेस रीडिंग्स हैं एंड हीलिंग वीडियोस हैं। उससे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, प्लस आपके इमोशंस एंड आपके जो भी पेन है वो हील हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है इस जर्नी में। एंड मैं पुराने सब्सक्राइबर्स से भी कहना चाहूँगी कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स देखें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें उन कमेंट्स का रिप्लाई दे सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। इससे आपका सॉल्व पर्पस, आपकी जर्नी और सिंपल हो जाएगी, बिकॉज अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी जर्नी ईजी हो जाती है। एंड जो लोग इस टाइम सफ़र कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन, उनके लिए मेरा मैसेज है कि डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अभी आपको कुछ लेसन सीखने हैं एंड जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे तब तक आप सफ़र करते रहोगे। तो सफरिंग के इमोशंस से क्विट करो एंड अपने लेसन्स लर्न करने स्टार्ट कर दो। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन तो आप ही के हैं और आप ही के रहने वाले हैं, कहीं नहीं जा रहे वो आपको छोड़कर। तो आपको यहाँ ज़रूरत है भगवान को याद करने की, भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ने की, भगवान में बिलीव रखने की, उनसे प्रे करने की, उनसे मैनिफेस्ट करने की, मेडिटेशन की। एंड मेडिटेशन से मुझे ध्यान आया कि कई लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जिसको सन एंड मून भी बोलते हैं, उनको आप बैलेंस करें। और उनके लिए ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में उठ के अलोम विलोम और प्राणायाम करें। जितना टाइम कर सकते हैं उतना टाइम करें, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा करना है, हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी करें बट रेगुलर करें, ओके? क्योंकि जब हम ज़्यादा करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा दूसरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे में भरने लगती है और हम उसको भी एकदम से हैंडल नहीं कर पाते, जिससे और प्रॉब्लम्स रेज हो जाती हैं, ओके? तो यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों को अपने ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करने की। एंड जो लोग मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं और काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है। और वो ये मैसेज है कि जिनकी ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी काफ़ी बैलेंस हो रही है, उनको आगे ज़रूरत है सुषुम्ना नाड़ी में आने की। दैट मीन्स एक ऐसी अवस्था जिस टाइम आपके दिमाग में, आपके मन में कोई विचार ना चले, दैट मीन्स ध्यान की अवस्था। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप समाधि में लग जाएं, ध्यान का मतलब ये है कि आपको अपनी एनर्जी को इतना बैलेंस करना है
कि अननेसेसरली जो व्यूज़ होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, जो हमारे मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, वो आपके मन से हट जाएं। दैट मीन्स आपको विचारहीन होना है, ठीक है? आज की वीडियो भी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी कोई देखेगा कोई ना कोई एडवाइस उसको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।